हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल कैपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज है हम डिलाइट टाटा मोटर्स जनकपुरी पे। एंड जो वेरिएंट आज हमारे सामने देख रहे हो ये है टाटा पंच सीएनजी। थोड़ा सा वीडियो डिले हुई है बट फाइनली आज हम आपके सामने ले आए हैं टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट। एंड इस वेरिएंट की बात करूँ तो ये है इसका एडवेंचर विद रिदम पैक। एंड आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, इस कार में क्या क्या फीचर्स आते हैं, इस कार की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, एंड ये कार आपको कितनी प्राइस की पड़ती है। तो गाइस, बात करें इस कार की प्राइसिंग की तो ये कार आपको कॉस्ट करती है 8,19,000 एट शोरूम। ऑन राइड प्राइस हम वीडियो में इसलिए नहीं बताते बिकॉज ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर इस कार के ऑन रोड प्राइस आपको जानने हैं तो मैं कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इस कार की सारी डिटेल्स जान सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल की। सो गाइस, अगर बात करूं कार की फ्रंट प्रोफाइल की तो सबसे पहले नज़र जाएगी आपके इसके हेडलाइट सेटअप में। इस वेरिएंट में आपको हैलोजन में हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ इस वेरिएंट में आपको DRL भी देखने को नहीं मिलेगा। DRL की जगह यहाँ पे एक लाइट दी गई है हैलोजन में, और साथ ही इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल में आपको दिखती है ये पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल, उसी में टाटा की बैचिंग दी गई है सेंटर में। एंड यहाँ पर आपको ट्राई एरो डिज़ाइन मिलेगा जिसके पीछे हॉर्न की प्लेसमेंट की गई है। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे फिर आपको ट्राई एरो डिज़ाइन में ग्रिल देखने को मिलेगी। एंड इस वेरिएंट पे, ये इसका एडवेंचर वेरिएंट है, इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलते बट प्रॉपर हाउसिंग दी गई है, जो आप आफ्टर मार्केट चाहो तो आप ये फॉग लैम्प इसमें फिट करा सकते हो। सो ओवरऑल कार का फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आता है। अगर बात करें कार के साइड प्रोफाइल की तो आप साइड प्रोफाइल से कार का लुक देख सकते हो। कार पूरी एक बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आती है, एंड जो आप ये क्लाइडिंग देख रही हो जो एंड तक जाती है ये कार को प्रॉपर SUV वाला लुक देती है। बात करें कार में मिलने वाले टायर साइज़ की तो इस कार में आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं, व्हील कवर आपको इसमें मिल जाएगा। एंड बात करूँ टायर प्रोफाइल की तो इसमें आपको 185/70 R15, सो 15 इंच के टायर आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं। इसके अलावा बात करें कार में मिलने वाले ORVM की तो इसमें आपको बॉडी कलर में ORVM देखने को मिल जाएंगे जिसमें इंडिकेटर की प्लेसमेंट की गई है, साथ ही साथ डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलेंगे। इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलेगी। कार का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से लगता है। सो गाइस, अब बात करते हैं कार की मेन हाईलाइट की, बट उससे पहले देख लेते हैं कि रियर प्रोफाइल से कार कैसी लगती है। रियर प्रोफाइल से कार का लुक कुछ इस तरीके से आता है। इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर और वाइपर देखने को नहीं मिलेंगे। एंटीने की प्लेसमेंट अब यहाँ कर दी गई है, इसके साथ साथ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये एडवेंचर रिदम पैक है तो कैमरे की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, उसके ऊपर टाटा की बैजिंग, नीचे आपको पंच की बैचिंग दिखने को मिलेगी। एंड जैसे कि ये CNG वेरिएंट है तो ICNG की बैचिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दो रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं एंड दो सेंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सो फाइनली अब देखते हैं इस कार का मेन फीचर। बूट एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। एंड फाइनली कोई देख के बता सकता है कि ये एक CNG कार है। गाइज, यही टेक्नोलॉजी जो टाटा ने इस बार लॉन्च की है, यही एक गेम चेंजर हो गया है इस सेगमेंट में, बिकॉज CNG में और कोई कंपनी ये चीज़ ऑफर नहीं कर रही। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी इस कार के साथ साथ आती है जिसके वजह से इस कार में आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है। आप छोटा मोटा ट्रैवल प्लान कर रहे हो उसमें आप इजीली अपना लगेज कैरी कर सकते हो, जैसे कि आपने डिस्प्ले में देख ही रहे हो, उन लोगों ने ऑलरेडी इसमें लगेज रख के दिखा रखा है। बट मेरी माने तो इसमें एक सूटकेस, एक बड़ा सूटकेस और एक छोटे दो डबल बैग्स आराम से इजीली इसमें आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा स्पेस बन जाता है CNG कार होने के बावजूद। इसमें बात करें CNG सिलेंडर्स की तो CNG सिलेंडर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको 230 लीटर के CNG सिलेंडर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अब आप पूछोगे अगर आपको स्पेयर टायर एक्सेस करना है तो स्पेयर टायर एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिया है जिसके थ्रू आप अपना स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हो, और स्पेयर टायर की प्लेसमेंट आपको यहाँ दी गई है। एंड CNG से मुझे याद आया, जैसे कि आपने और भी बहुत सारी CNG कार्स देखी होंगी, CNG इंस्टॉल होने के बाद जो कार की ग्राउंड क्लीयरेंस आती है उसमें हमेशा फ़र्क पड़ता है। बट इस कार में प्लस पॉइंट ये है कि ग्राउंड क्लीयरेंस में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया गया। कंपनी ने इसके सस्पेंशन के साथ इस बार कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से जो ग्राउंड क्लीयरेंस आपको पहले मिल रही थी 187 mm की, वही ग्राउंड क्लीयरेंस इसके CNG वेरिएंट में भी ऑफर की गई है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है यार, बिकॉज नॉर्मली होता क्या है आफ्टर CNG इंस्टॉलेशन जो ग्राउंड क्लीयरेंस होती है वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, बट इस गाड़ी के साथ ये चीज़ नहीं हुई है। इसमें आपको वही ग्राउंड क्लीयरेंस ऑफर की जा रही है जो कि आपको इसके पेट्रोल वर्जन में मिलती थी। सो गाइस, अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, देखते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या क्या चेंजेस दिए गए हैं।
सो गाइस अब आ गए कार के इंटीरियर में एंड आप जस्ट देख सकते हो कार में ड्यूल टोन इंटीरियर का यूज किया गया है, ब्लैक और ग्रीनिश कलर में इसका इंटीरियर दिया गया है। एडवेंचर वेरिएंट में आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ इंटीरियर मिलता है एंड अगर आप प्योर में जाओगे तो आपको वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का इंटीरियर देखने को मिलेगा, बट दोनों ही इंटीरियर जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा वहीं यहाँ पे आपको वही आपकी स्क्रीन की 7.5 इंच की पुरानी 7.5 इंच की हरमन की स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी है, इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा नीचे बात करूँ तो एसी वेंट में आपको पियानो ब्लैक कलर का फिनिश देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल मिल जाएंगे एंड इसके मैनुअल एसी में मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो नॉर्मल आपने और कार्स में मैनुअल एसी के डिज़ाइन देखे होंगे उससे बहुत ज़्यादा बेटर है ये। इसके अलावा यहाँ पे अपग्रेड दिया है, अब आप इसमें को टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है कि जो कि पहले पंच के वेरियंट में नहीं मिलता था। साथ ही साथ 12 वॉट का सॉकेट भी इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है एंड यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस दिया गया है जहाँ पर अपना सामान रख सकते हो। इसके नीचे आपको 5-स्पीड गियर ट्रांसमिशन की प्लेसमेंट दी गई है एंड इसके नीचे यहाँ पे आपको हैंडब्रेक की ब्लेसिंग दी गई है। यहाँ पे आपको एक सॉकेट के लिए जगह दी गई है, अगर आप इससे ऊपर वेरिएंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको यहाँ पे भी टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे सिर्फ एक जगह दी गई है जहाँ पे आप अपना 12 वॉट का सॉकेट फिट करा सकते हो अपने मार्केट अगर आप चाहो तो। उसके अलावा मैनुअल आयर भी हम आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। बात करें ड्राइवर साइड पे तो आपको कार होल्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको वही सेम हैलोजन लैम्प रीडिंग लैम्प देखने को मिलेगा, साथ ही साथ माइक की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। इसके अलावा अगर को पैसेंजर की बात करूँ तो को पैसेंजर में आपको वैनिटी देखने को मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल आपको को पैसेंजर साइड नहीं मिलता एंड ड्राइवर साइड भी आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। उसके अलावा 2 ग्रैब हैंडल पीछे दिए गए हैं। बेस्ट पार्ट ये रहती है यार इनमें कि इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है और कन्वीनियंट भी रहता है अगर आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट का फीचर है तो। बात की जाए कार के सीट कम्फर्ट की तो सीट कम्फर्ट मैं पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इस कार का सीट कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इसके सीट्स की एंड काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट भी आपको इसके सीट्स में मिलता है। तो कंफर्ट वाइज सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल एंड बात करूँ इसके स्टीयरिंग की तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिलता है। इस वेरिएंट पे आपको म्यूज़िक के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे बट क्रूज़ कंट्रोल इस वेरिएंट में नहीं मिलते। इसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ, अब इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो क्लस्टर आपको टियागो और एल्ट्रॉस में देखने को मिलता है सेम क्लस्टर इसमें यूज़ किया गया है। सो गाइस ये तो रहा इस कार का कुछ इंटीरियर। सो जैसे मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ यार ये कार मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कार है एंड अब जब से ये सीएनजी में आ गई है तब से ये कार और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल गई है। जिन लोगों को माइलेज को लेके कंसर्न रहता था उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सीएनजी ऑप्शन ये आ गया है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी लुक के साथ ये कार जो आती है ना, इसके कंपैरिजन में और कार्स भी हैं बट इस कार में जो आपको प्रॉपर फील आती है एसयूवी वाली वो आपको और किसी कार में नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप अब इसका सीएनजी वेरिएंट देखना चाहते हो तो आप बेझिझक इसके सीएनजी वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार है ये एंड अगर आपको इस कार के बारे में कोई भी डिटेल्स जाननी है तो मैं सारी कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके शोरूम की डिटेल्स भी कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, आप यहां से इनसे बात कर सकते हो, इस कार की टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हो और जो भी क्वेरीज है इस कार से रिलेटेड आप उनसे पूछ सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।